गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपने ना 10.4 एक्सरसाइज दे थोड़े जे क्वेश्चन रहिंदे सी। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, पाई बाय 4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। मतलब दो एंगल दिते है, तीजा एंगल लभना आपां। फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर, यानी कि जो दो एंगल दिते, हुण पहला एंगल हैगा पाई बाय 3, दूजे लैक्चर च मैं सम कराया सी इहदे नाल दे, दूजा एंगल हैगा अपने कोल पाई बाय 4, तीजा एंग दूजे एंगल नूं पहले एंगल नूं अल्फा मन्नीदा, दूजे एंगल नूं बीटा, तीजे एंगल नूं मन्नीदा गामा। अक्यूट एंगल थीटा, अक्यूट एंगल थीटा का मतलब थीटा जिहड़ा 90 तो छोटा ही लैणा आपां पहले क्वाड्रेंट च। जदों तीन एंगल इदां दिते होण, उन्होंने कहा फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर। एक आह फार्मूला होंदा है कोसकेयर अल्फा, आ एक आपां फार्मूला कीता है, प्लस कोसकेयर बीटा प्लस कोसकेयर गामा इक्वल टू 1, कोसकेयर पाई बाय 3, कोसकेयर पाई बाय 4, कोसकेयर थीटा इक्वल टू 1। कोस 60 की वैल्यू कितनी होंदी अपने कोल, 1/2। कोस 45 की होंदी 1/√2। इन्हां दा स्केयर करांगे, स्केयर स्केयर लगा कोसकेयर थीटा, इधर आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोसकेयर थीटा इक्वल टू 1। इन्हों का एलसीएम लो, इन्हों का एलसीएम आएगा 3/4, इधर 2 आ जाएगा ना, 2 + 1 = 3/4 आ जाएगा, 3/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3/4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कोसकेयर थीटा इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, स्केयर इधर आ गया अंडर रूट। वैसे तो प्लस माइनस 1/2 होना है, पर उन्होंने कहा थीटा जिहड़ा है एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन वेखो, थीटा लिखा हुआ एक्यूट, यानी कि इतने प्लस 1/2 ही लावांगे, इतने प्लस 1/2 ही लावांगे। हुण कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने होंगी है चैक करो, कि 60 डिग्री से होंगी है, यानी कि तुहाडा आंसर आएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। थीटा पाई बाय 3 होंदा ना 1/2, कोस थीटा कोस पाई बाय 3 1/2 होंगे, थीटा पाई बाय 3 आ जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन च क्या है, फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर का फार्मूला की होंगे, देखो जरा कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर का फार्मूला की होंगे, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा, गामा की वजह थीटा है थीटा के कैप। कोस अल्फा पहला एंगल आप दिता ही पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 आई कैप, इतने आ जाएगा कोस पाई बाय 4 जे कैप, तो कोस थीटा वेखो जरा कोस थीटा की वैल्यू कितनी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो जिते कोस थीटा उसकी वाल लगा दो 1/2, यानी कि तुहाडा आंसर आ जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ए वैक्टर का फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, शो डैट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू 2 times ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। आ साइड नूं आपां इस साइड दे इक्वल प्रूव करना है, ये फोर्थ सम है। मैं ओ वाले क्वेश्चन नहीं करवाना पैं जिहड़े अपने पेंडिंग रह गए सी। पहला इत्थे आपां लिखना लैफ्ट हैंड साइड, लिखना लैफ्ट हैंड साइड, ए वैक्टर नूं पहला इन्ना मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यानी कि लिखना किदा है ए क्रॉस ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, बाद च गा माइनस बी वैक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ऐदा करना। सुनो हुण ए नूं पहला ए दे नाल कराओ, बाद च ए नूं बी दे नाल, इत्थे आएगा ए क्रॉस ए वैक्टर विचकार प्लस साइन है, ए क्रॉस बी वैक्टर। इधर देखो जरा माइनस बी वैक्टर नूं ए वैक्टर नाल करावांगे, माइनस बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर माइनस बी इंटू बी वैक्टर, सेम दा सेम दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट होंदा जीरो, सेम दा सेम दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट होंदा जीरो, बचेगा ए क्रॉस बी, ए माइनस बी क्रॉस ए है, जे इनू आपां इंटरचेंज करांगे ते बाहर साइन माइनस लाना पएगा, इनू जे आपां इंटरचेंज करांगे बाहर साइन लगाना पएगा माइनस, एक माइनस पहला ही है प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी
टू टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा। देखो यही प्रूव करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेवंथ क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बोरिंग जा पर है इजी है, इदा के सम पेपर च आ जाते, ध्यान ना देखो। लेट वैक्टर्स ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर बी गिवन डैट, आता है ए वन आई कैब प्लस ए टू जे कैब प्लस ए थ्री के कैब, बी वन आई कैब प्लस बी टू जे कैब प्लस बी थ्री के कैब, सी वन आई कैब सी टू जे कैब सी थ्री के कैब, ए ए बी सी वैक्टर दैल्यू दी है। प्रूव करने क्या है, ए वैक्टर करोस बी प्लस सी इक्वल टू ए करोस बी प्लस ए करोस सी, ए इक्वल प्रूव करना है। थोड़ा जहा लेंथी सम है पर ध्यान देखो हो जाएगा। इतने का ए वैक्टर करोस बी प्लस सी, लैफ्ट हैंड साइड पहले आप बी प्लस सी कट लेने, जो बी ते सी वैक्टर प्लस करा, बी वैक्टर ते सी वैक्टर प्लस करा, इधर आएगा बी वन प्लस सी वन ब्रैकेट के बाहर आएगा आई कैप कॉमन कटांगे, बी टू प्लस सी टू ब्रैकेट च आएगा बार जे कैप, बी थ्री प्लस सी थ्री ब्रैकेट के बाहर आएगा के कैप, ए बी प्लस सी है। लेफ्ट हैंड साइड च है ए करोस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, इधर डिटरमीनेंट पावे, इधर ए वैक्टर के कोफिशियंट लिखो, ए वैक्टर के कोफिशियंट है ए वन ए टू ए थ्री, बी प्लस सी करा, इत है बी वन प्लस सी वन, इधर है बी टू प्लस सी टू, इत है बी थ्री प्लस सी थ्री। हूँ एदा आप डिटरमीनेंट कटना, थोड़ा जहा बोरिंग जहा लगेगा पर है ईजी है, बड़े ध्यान ना देखो जरा। जो डिटरमीनेंट कढ़ांगे आई कैप रखांगे बाहर, एनू इना मल्टीप्लाई करांगे, ए टू नू इना मल्टीप्लाई करांगे, आएगा ए टू बी थ्री ए टू सी थ्री विचकार आएगा माइनस, एनू इना मल्टीप्लाई करांगे ए थ्री बी टू ब्रैकेट खोलांगे ना माइनस तो ना ब्रैकेट भी खुलनी है ए थ्री सी टू, ए अगे भी माइनस साइन आएगा, दूजे दे बार माइनस रखी दा माइनस जे कैप, जो ए वन इना मल्टीप्लाई करांगे ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस, ए थ्री इना मल्टीप्लाई करांगे ए थ्री बी वन माइनस ए थ्री सी वन प्लस के कैप, इनू इना मल्टीप्लाई करांगे ए वन बी टू ए वन सी टू चकार माइनस, ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन, ए टू सी वन है, ये लेफ्ट हैंड साइड हैगी है। राइट हैंड साइड से वेखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इधर आर एच एस लिखांगे, पहला ए क्रॉस बी सोल्व करना है तो बाद आपां सोल्व करना ए क्रॉस सी, बाद इन्हां दोनों प्लस करना है, राइट हैंड साइड च ही लिखा है। जो ए क्रॉस बी सोल्व करांगे आपां, ए क्रॉस बी सोल्व करांगे, इधर आएगा ए वन ए टू, ए वन है ना, इधर आएगा बी वन बी टू बी थ्री, आई क्या बाहर रखांगे, इनू इना मल्टीप्लाई माइनस इनू इना मल्टीप्लाई, यानी कि आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे क्या बाहर रखांगे ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के क्या बाहर रखांगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए क्रॉस सी जो इनू सोल्व करांगे आपां
जो इन सोल्व करा आई क्या बार रखा ए टू सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री ये तुम अपने आप भी कर सकते हो अपने आप करे सोल्व तुम लेंथी जहा लगेगा पर सम जिदा का है उदा ही सोल्व करना है डिटरमीनेंट ही कटे और किया माइनस सी वन ए थ्री प्लस के कैप ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन देखांगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है मतलब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इन्हां दोवां प्लस करांगे आ दो इक्वेशन प्लस करना आपां आली नूं ते आली नूं जदों प्लस करांगे आई कैप ते बाहर रख लो आई कैप बाहर रख लो यानि कि प्लस वाली रकम पहला लिख लो ना प्लस वाली रकम लिखांगे ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री बाय माइनस वाली लिख लो माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री बी टू फिर चो माइनस वाली लिखो ए थ्री सी टू यानी कि सी टू ए थ्री का मतलब ए थ्री सी टू ही है माइनस जे कै बाहर रखो इधरों माइनस जे कै बाहर रखो भला प्लस वाली लिखो ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस बी वन ए थ्री माइनस सी वन ए थ्री के कैप वाली प्लस करो ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन ए टू बी वन ए टू सी वन जो आखो दोवें साइडा इक्वल आ गई तुम चैक करोगे ध्यान दे दोवें साइडा इक्वल आ गई इतने मैं प्लस माना भूल गया ही तो प्लस पालना आ लैफ्ट हैंड साइड है तो आ राइट हैंड साइड है ये इक्वल ही होनगियाँ एक बार दोबारा ट्राई करके वेख लेना हो जाएगा देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थोड़ा बोरिंग जहा क्वेश्चन है ही अगे देखो जरा क्वेश्चन इलेवंथ क्वेश्चन देखो जरा एम सी क्यू है पेपर च आ सकता सबजैक्टिव बन के भी प्राइम दे किन्ने मिलते जुलते क्वेश्चन है लैट वैक्टरस ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बी सच डैट मैगनीट्यूड ए है थ्री मैगनीट्यूड बी है अंडर रूट टू बाय थ्री दैन ए करोस बी इज ए यूनिट वैक्टर यह दिता है आप करोस बी इज ए यूनिट वैक्टर दिता है अगल क्या इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज हूँ मैगनीट्यूड ए अपन दिता थ्री मैगनीट्यूड बी दिता रूट टू बाय थ्री ए करोस बी यूनिट वैक्टर है मतलब ए करोस बी का मैगनीट्यूड वन ए करोस बी का मैगनीट्यूड वन एंगल बिटवीन ए एंड बी लगना हूँ वेखो पता ही लगता पै ए करोस बी दिता है ए करोस बी का मैगनीट्यूड दिता है यूनिट वैक्टर का मतलब ए करोस बी का मैगनीट्यूड वन ने इस यही फार्मूला लगना ए करोस बी के मैगनीट्यूड का मैगनीट्यूड ए करोस बी इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ए मैगनीट्यूड बी साइन थीटा ए फार्मूला लग जाना इधर आ जाएगा वन मैगनीट्यूड ए की वैल्यू होगी थ्री इधर आएगा रूट टू बाय थ्री साइन थीटा थ्री ना थ्री कैंसल आउट हो जाएगा रूट टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा वन बाय रूट टू इज इक्वल टू साइन थीटा तो हूँ वन बाय रूट टू साइन थीटा के कितने वैल्यू होंगी है पाई बाय फोर से वन बाय रूट टू साइन थीटा वैल्यू होंगी पाई बाय फोर से यानी कि तुम्हारी बी ऑप्शन करैक्ट होगी इलेवंथ सामी ध्यान चैक कर लेना तुम्हारी बी ऑप्शन करैक्ट होगी एम सी क्यू है ना हूँ ये एम सी क्यू सबजैक्टिव बन के भी पेपर च आ सकता ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो जरा एरिया ऑफ रैक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी रिस्पैक्टिवली विद पोजिशन वैक्टर ए बी सी देते हुए है पॉइंट एरिया ऑफ रैक्टेंगल कटना हूँ एरिया ऑफ रैक्टेंगल च एरिया ऑफ पैरलोग्राम का फार्मूला ही लगना जिस दो एडजेसेंट साइड दिखाई हो
ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਐਡਜੇਸਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜੇਸਟ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ। ਬੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ। ਸੀ ਦੇ ਲਿਖੋ, ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ। ਡੀ ਦੇ ਲਿਖੋ, ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ ਕਰੋਸ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਏ ਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਸੀ ਡੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਆਹ ਬੀ ਵਾਲਾ, ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੂ ਆਈ ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਫ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਏ ਡੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢਣਾ, ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਆਈ ਕੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਜੇ ਕੈਪ ਬਣਨਾ, ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ ਚੋਂ ਫੋਰ ਕੇ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੇ ਕੈਪ। ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਵਾਲਾ, ਏ ਬੀ ਕਰੋਸ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਕਰੋਸ ਬੀ ਸੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੋਸ ਬੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਕੇ ਕੈਪ। ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਧਰ ਲਿਖੋ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਕੱਢੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਆਈ ਕੈਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਲੱਸ ਕੇ ਕੈਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਕੇ ਕੈਪ ਬਚਣਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਕੇ ਕੈਪ ਬਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਟੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਣੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 17th ਕੁਸ਼ਚਨ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਵਿਦ ਟੂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਏ ਵਨ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬੀ ਵੀ ਵਨ ਨੇ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਏ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਵਨ ਨੇ, ਇਫ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਏ ਡੋਟ ਬੀ, ਟੂ ਏ ਡੋਟ ਬੀ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਣਾ ਵਨ, ਏ ਡੋਟ ਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਏ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਟੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਆ ਵਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਨ ਨੇ,
टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाय टू, कोस थीटा आ जाएगा अपने को माइनस वन बाय टू। हूँ उन्होंने आप सोल्व करना कि कितने वैल्यू होंगी है माइनस वन बाय टू, प्लस वन का रिजल्ट लगेगा इतने के उत्ते लिखा ना माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री, तो ए प्लस वन के रिजल्ट के मुताबिक माइनस कोस थीटा आ फार्मूला होंगे प्लस वन के रिजल्ट के मुताबिक माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस कोस थीटा रिप्लेस कर दो कोस पाई माइनस थीटा के नाल, प्लस वन का रिजल्ट है। अब माइनस कोस थीटा है इन्हें लिखो कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री, एक हिसाब का कोस ना कोस कटा गया यद एलसीएम ले लियो थ्री पाई माइनस पाई कि ना आना अपने को टू पाई बाय थ्री, यानी कि डी ऑप्शन करैक्ट होनी है आपको, डी ऑप्शन से करना टू पाई बाय थ्री ये करैक्ट होनी है। यह 17th क्वेश्चन ही मिसलेनियस का। हूँ मिसलेनियस का 18th क्वेश्चन देखो जरा, मिसलेनियस का 18th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के, के डॉट आई क्रॉस जे, एक साइकिल होंगे देखो जरा आई जे के दा, जिस आई क्रॉस जे करिए के दे बराबर होंगे, सीधा रोटेट कर देना जे क्रॉस के करिए आई दे बराबर होंगे, के क्रॉस आई करिए जे दे बराबर होंगे। तो जे क्वेश्चन उल्टा करना हो जे क्रॉस आई कर दी है माइनस के बन जाता है, के क्रॉस जे कर दी है माइनस आई बन जाता है, आई क्रॉस के कर दी है माइनस जे बन जाता है। हुण इहदी वैल्यू कढ़नी है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के वेखो आई दे बराबर है, डॉट प्रोडक्ट पा दो इत आई ला दो, जे डॉट ऐदा ही पै रह दो, आई क्रॉस के माइनस जे दे बराबर, ते आई क्रॉस जे वेखो के दे बराबर, सेम दा सेम दे नाल डॉट प्रोडक्ट वन हुंदा है, इत्थे भी वन आएगा पर नैगेटिव है माइनस वन आ जाएगा, इधर वन आएगा टू माइनस वन वन आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करैक्ट होएगी अपनी, सी ऑप्शन करैक्ट होएगी। 19th क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वैक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वैक्टर्स ए एंड बी, दैन थीटा की वैल्यू कटन क्या आ कंडीशन दी है ए डॉट बी का मैगनीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैगनीट्यूड, हूँ ए डॉट बी का मैगनीट्यूड ए अपन समझ कंडीशन लगा, ये आप सामने कंडीशन लगी है एदा आएगा मैगनीट्यूड ए मैगनीट्यूड बी कोस थीटा, इधर आएगा मैगनीट्यूड ए मैगनीट्यूड बी साइन थीटा, आ कटिया जाएगी रकम, कोस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कोस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा टैन थीटा, इधर आ जाएगा टैन थीटा। हूँ टैन थीटा वैल्यू वन कितने होंगी है पाई बाय फोर, से टैन थीटा वन होंगे ना पाई बाय फोर, से इधर पाई बाय फोर बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी अपनी। मैं जिन्हें भी सामी ना क्रॉस प्रोडक्ट के करने सोल्व सारे, अगे देखो 10th क्वेश्चन मिसलेनियस का भी बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर, आ पैरेललोग्राम है एक साइड ए मान लो एक साइड बी मान लो, दो एडजेसेंट साइड दिती पैरेललोग्राम दी, पहली कड़ी दिती है टू आई माइनस फोर जे प्लस फाइव के, इधर दिता है आई माइनस टू के माइनस थ्री के, दो एडजेसेंट साइड दिती पैरेललोग्राम दी, फाइंड ए यूनिट वैक्टर पैरल टू इट्स डायगनल। हूँ ए वैक्टर इधर जाता बी वैक्टर इधर जाता है, उन्होंने कहा यूनिट वैक्टर कटो पैरल टू इट्स डायगनल, हूँ डायगनल वाला बनेगा इधर देखो आ ए बी सी डी, डायगनल ए सी कि गड्डी, डायगनल ए सी कि गड्डी, ट्रैंगल ला ऑफ वैक्टर एडिशन नॉन मैडिकल वाले बच्चों ने किया, नॉन मैडिकल वाले बच्चों को पता है कि किदा करना है कि आ दो वैक्टर एक डायरेक्शन च हो तीजा वैक्टर रिजल्टेंट ओपोजिट डायरेक्शन च होंगे, तो रिजल्टेंट कि कटीद इन्ह दो प्लस करके, रिजल्टेंट करीद इन्होंने दोवों प्लस करके, तो जोड़े दूजे बच्चे आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले वो देखो जरा मैं पैरल वर्ड च दसिया ही दोवें वैक्टर प्लस कर लीद
मैं पहला जो पहला दूजा लैक्चर कराया उसके विच रिमार्क लिखाया है पैरेलल वर्ड ए प्लस कर लो। हुण एसी वैक्टर कढ़ी दा इन्हां दोवां नूं करना प्लस, डायगनल वैक्टर इन्हां दोवां नूं प्लस कर लांगे यानी कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर कर लांगे। डायगनल एसी आएगा प्लस करांगे थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप। उन्होंने कहा यूनिट वैक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल, यूनिट वैक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल एसी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड एसी वैक्टर। यूनिट वैक्टर क्या ना मतलब जो एसी वैक्टर लिखांगे पैरेलल टू इट्स डायगनल वाला तो उसके मैग्नीट्यूड ना करांगे डिवाइड। यूनिट वर्ड लगा थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के डिवाइड करांगे थ्री का स्केयर माइनस सिक्स का स्केयर टू का स्केयर सोल्व करांगे सैवन आ जाएगा तले सोल्व करांगे सैवन आ जाएगा थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के बाय सैवन सारे थले सैवन लिखो। सैकेंड पार्ट उन्होंने की क्या दो पार्ट है आलसो फाइंड इट्स एरिया तो एरिया और पैरलोग्राम का फार्मूला पता ही है तुहानू ए करोस बी का मैगनीट्यूड पहला ए करोस बी कटना है जो भी आंसर आएगा उसका की कर देना आप मैगनीट्यूड। ए वैक्टर के कोएफिशिएंट है टू माइनस फोर फाइव वन माइनस टू माइनस थ्री करो जरा ए वैक्टर कढ़ो आई क्या बाहर रखा ना इनू इना मल्टीप्लाई करा ट्वेल्व पिछकार माइनस आना माइनस माइनस प्लस हो जाना ट्वेंटी टू बन जाना अपने को यानी कि ट्वेल्व प्लस टेन बन जाना अपने को ट्वेंटी टू इधर आना ट्वेंटी टू आई कैब दूजे का बार माइनस लाई दिना करा माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन बनना तीजा के कैब लाई दो माइनस फोर प्लस फोर आना माइनस फोर प्लस फोर आना यानी कि बनना ट्वेंटी टू आई कैब प्लस इलेवन जे कैब यह आया ए करोस बी एरिया होंगे ए करोस बी का मैगनीट्यूड अंडर रूट पा के ट्वेंटी टू का स्केयर प्लस इलेवन का स्केयर ट्वेंटी टू का स्केयर प्लस इलेवन का स्केयर। हूँ कई बच्चे करते भला ट्वेंटी टू का स्केयर कटेंगे फिर इलेवन का स्केयर करेंगे प्लस करेंगे शॉर्टकट कैलकुलेशन कि लगाई दी है इनू लिखो इलेवन का स्केयर डॉट टू का स्केयर इतने भी लिखो इलेवन का स्केयर कॉमन कडो बाहर इलेवन बन जाएगा अंदर की बचेगा टू का स्केयर प्लस वन यानी कि इधरों फाइव आ जाएगा इलेवन रूट फाइव स्केयर यूनिट मतलब रैफर करने की अपन लोड नहीं पी। होमवर्क है जो क्वेश्चन कराए रिपीट करने तुम प्राइम के ट्वेल्व एच के जिन्हें क्वेश्चन होंगे हो गए कर लियो कोई डाउट आएगा पूछ लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।